हटात काही दुर्बल होगला बात्या दाना काही लैंडफॉल प्रक्रिय विलंब देखा मिलला तेरे पाणीपाग विज्ञानी ए बाबत आकलन करिसेंति अरब सागर सक्रिय रही गुरुचाप बलय काही हटात दुर्बल होगला बात्या दाना से नहीं रिपोर्ट सामना को आसुची लैंडफॉल प्रक्रिया काही विलंब होई पाणीपाग विज्ञानी जो आकलन करिसेंति अरब सागर उपरे सक्रिय गुरुचाप बलयर प्रभाव रही शुष्क वायु प्रभाव पर दुर्बल होई दुई गुरुचाप बलय मध्य क्षेत्र में बात्या केन्द्रीभूत अनेपटे बात्या केवल उत्तर दिगरे गति करिबा संभवपर जो सूचना पाणीपाग विशेषज्ञ रखुचंती बात्यार बाम पार्श्वरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरु प्रवाहित शुष्क वायु जेउथिपाई ए बात्या दुर्बल होई आपण देखिपारुचंती ये एक चित्र आम आपणना रखुचु आम सहित आम प्रतिनिधि मौसुमी महांती जोड़ी होती मौसुमी हठात दुर्बल होगला बात्या दाना एवं लैंडफॉल प्रक्रिया विलंब होता यार भितर पाणीपाग विज्ञानी आकलन कर अरब सागर गुरुचाप बलय सक्रिय रही जो बात्या दाना टी दुर्बल होगला मौसुमी सौम्या बात्यार लैंडफॉल प्रोसेस पूरा सरी सारी बर्तमान अनेक मन प्रश्न आम मन प्रश्न कि जो भाव अनुमान बात्या स्थलभाग छुईला क्षति कर पवन बेग जी हम देखा गला कि हेला नाही ताठरु कम हेला ता पछर कारण कौन जानापी चेष्टा करूँ तेरे पाणीपाग विज्ञानी मान कहवा कथा कि शुष्क वायु प्रभाव एक बड़ कारण जहाँ पाणीपाग विभाग तथ्य मिली अरब सागर उपर एक गुरुचाप बलय सक्रिय रही तार प्रभाव यही बात्या दाना उपर रहा बात्यार बाम पार्श्वरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगर प्रभावित होला शुष्क वायु शुष्क वायु प्रभाव ही बात्या को दुर्बल करेला बात्यार पूर्व भाग एक गुरुचाप बलय रहा आप देखु उत्तर उत्तर पश्चिम दिगर शुष्क वायु प्रभाव अरब सागर पटे गोटे गुरुचाप बलय बात्या जो सृष्टि होता तार पूर्व भाग एक गुरुचाप बलय तो दुईट गुरुचाप बलय भितर भीषण बात्या दाना टी उपकूल आसी माड़ है गोटे प्रकार आम सौम्या कहीपर कि दुईट चाप भितर पेशी होगला भीषण बात्या दाना जहाँफल तलभाग माड़ होगा बेले लैंडफॉल कला बेले तर प्रभाव विशेष रहा ना जहाँ बर्तमान समय अनुमान घंटा प्रति शहे पाखापाखि पवन बेग था ना आहरी अधिक जी कहीपर शहे दस घंटा प्रति पवन बेग था कहला कि जो भाई भाव आसिकी भितरकनिका पाखे माड़ हेले से अंचल ठार आरंभ कर 50 किलोमीटर दूरता भितर क्षयति कर क्षयति है ना आउ गोटे आश्वस्तिकर विषय आम पाई कि भितरकनिका पाखे जीतु माड़ है भीषण बात्या से आप जानते हेताल बण रही हेताल बण से जिते बड़े पवन बेग आसी माड़ हब हेताल बण सह तार संघर्ष हब हेताल बण सब आमको प्राकृतिक विपर्जय रक्षा दे था दुनिया बात्या स्थिति रक्षा दे था से हेताल जंगल सृष्टि करने सब सरकार चेष्टित था तो यही हूँ दुईट बड़ कारण जहाँ पाणीपाग विशेषज्ञ मैंने बर्तमान समय कहते कि पश्चिम उपस्थिति जो क्रमगत भाव शुष्क वायु प्रभाव तथा बात्या हेताल बण और स्थल भाग प्रतिक्रिया जो विशेष शक्तिशाली हो पारानी जिते बड़े उपकूल आसिकी माड़ है शुष्क वायु प्रभाव ताकु बाधा देला और दुईट गुरुचाप बलय भितर बात्या दाना टी बेसी होगला बड़े स्थित रहा जहा आम पाई भल आम जहा पूर्वानुमान करूँ पाणीपाग विभाग फोरकास्ट देखिक अनुशीलन करूँ कि बात्या जदि 120 मैक्सिमम स्पीड रही माड़ होता जो भी भाव क्षति होता बर्तमान समय ताठू कम क्षति होती जोटा कि आम पाई भल कम क्षति है लोक कम प्रभावित होते कि देखो भितरकनिका पाखे माड़ होती तर आखपाख अंचल जो जगह प्रभावित होती केन्द्रापड़ा धामरा पाखापाखि अंचल जो प्रभावित होती किसी कम नुह कितु आप देखु ये शुष्क वायु प्रभाव दुईट गुरुचाप बलय न था तार तीव्रता अधिक होता से अधिक शक्तिशाली होकूल माड़ होता अधिक क्षयति करता तो आमको बचे देला यह पापर परिस्थिति पाणीपागर कारक तेणु समस्त मन प्रश्न कि गणमाध्यम बारंबार कही आसुला मैक्सीम 120 स्पीड हम कि भाव क्षति हम
देखते जो क्लाउड पैच गुड़िक बात्या जड़ित होता सिस्टम सी भाव से वर्षा करने कथा आज दिन तमाम आम देखु कि वर्षा परिमाण में सका देखा जाऊना जो जिला गुड़िकेड आलर्ट जारी होता से विशेष भारी वर्षा सका देखा जाऊना केवल झिपझिपी वर्षा होणु यो पापागर कारक जो पापाग गोटे परिवर्तन है बात्या दाना आसला बेलू उपकूल में माड़ है बेलू आमको सहायक है आम गोटे बड़ क्षति बंचीगले बर्तीगले तो ये हूँ से पापाग्र सूचना ये हूँ से पापाग्र जो आम कहीपर कारक गुड़िक जहा बात्या दाना को अधिक शक्तिशाली हो उपकूल में माड़ हवा को देला ना सबुठू बड़ कारण जहां आपको कहली शुष्क वायु प्रभाव रहा जहां बात्या को शक्तिशाली करने को दिए ना ता सह दुईट गुरुचाप बलय गोटे आरब सगर या गोटे पश्चिम दुईट गुरुचाप बलय भितर बात्या रहा तार स्थिति और से स्थिति आसिकी उपकूल में माड़ हवा फल लैंडफॉल प्रक्रिया विलंब हैला पानीपाग विज्ञानी जो आकलन करिसेंती आरब सागर गुरुचाप बलय सक्रिय रही शुष्क वायु प्रभाव है बात्या दुर्बल हो गला बात्यार पूर्व उत्तर पश्चिम दिगक प्रवाहित होता शुष्क वायु प्रवाह जो अधिक रही बात्यार पूर्व भाग में गुरुचाप बलय सक्रिय रही दुई गुरुचाप बलय मध्य क्षेत्र में बात्या केन्द्रीभूत थत्या केवल उत्तर दिगरे गति संभव रही पश्चिम गुरुचाप बलयर उपस्थित जो क्रमगत भाव में शुष्क वायु प्रवाह तथा बात्या हेताल वन और स्थलभाग सहित प्रतिक्रिया जो विशेष शक्तिशाली होबार बाधा उपजिला किंतु आश्वस्तिर विषय बात्या जेहेतु दुर्बल हो जाएगी तेणु यह अधिकांश मात्रा में क्षयति करना जो कथा पूर्व आकलन कराला कि विंड स्पीड मैक्सिमम 120 रहा कि यार भितर आश्वस्तिर विषय कि लैंडफॉल प्रक्रिया शेष हो सारी लैंडफॉल प्रक्रिया विलंब होता पानीपाग विज्ञानी जो आकलन करते कि आरब सगर में गुरुचाप बलय सक्रिय रही शुष्क वायु प्रभाव पर बात्या दुर्बल हो जाएगी आरब सगर में सक्रिय गुरुचाप्र प्रभाव रही बात्यार बाम पार्श्वर उत्तर उत्तर पश्चिम दिग्वर प्रभावित होता शुष्क वायु प्रवाह अधिक रही बात्यार पूर्व भाग में गुरुचाप बलय सक्रिय रही दुई गुरुचाप बलय मध्य क्षेत्र में बात्या केन्द्रीभूत थत्या केवल उत्तर दिगरे गति संभव रही पश्चिम गुरुचाप बलयर उपस्थित जो क्रमगत भाव में शुष्क वायु प्रवाह तथा बात्या हेताल वन और स्थलभाग सहित प्रतिक्रिया जो विशेष शक्तिशाली होबारे बाधा उपजी ये हूँ बर्तमान समय बड़ सूचना जोबले पाणीपाग विशेषज्ञ सहित आम कथा आलोचना करूँ से ये निष्कर्ष सामना को आसुची कि बात्या दाना दुर्बल होगा पचर कौन नौ गुरुत्वपूर्ण कारण ता कि आरब सगर गुरुचाप बलय सक्रिय रही आरब सगर में जिते बड़े गुरुचाप बलय सक्रिय रही तेज शुष्क वायु प्रवाह होता एत्या दानाटी दुर्बल हो गला बात्यार पूर्व भाग में गुरुचाप बलय सक्रिय रही दुई गुरुचाप बलय मध्य क्षेत्र में बात्या केन्द्रीभूत थत्या केवल उत्तर दिगरे गति संभव रही पश्चिम गुरुचाप बलयर उपस्थित जो क्रमगत भाव में शुष्क वायु प्रवाह तथा बात्या हेताल वन और स्थलभाग सहित प्रतिक्रिया जो विशेष शक्तिशाली होबार बाधा उपजी किंतु जो रिपोर्ट रही भद्रक चंदवाली में सर्वाधिक 158.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर राजकनिका वासुदेवपुर मार्साघाई ये सबू अंचल प्रबल अति प्रबल वर्षा होता नहीं रेकर्ड कर आज बालेश्वर भद्रक मयूरभंज जिला को मध्य रेड वार्निंग जारी करा जाएगी अर्थात ये प्रबल रु प्रबल मात्रा रे वर्षा हो बालेश्वर भद्रक मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग जारी करा जाएगी चंदवाली रे रेकर्ड वर्षा होई भद्रक चंदवाली रे सर्वाधिक 158.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाएगी किंतु
बात्या को परिचालन करिबारे जो सरकारी कळ लागितला ताहा पूरापूरी सुचारू रूपे बात्या को परिचालन करा जायछि। प्रशासन तत्परता देखाइछि एवं सफलतार सहित बात्या को मुकाबला करा जायछि। अपराह्न सुधा जो सब अंचल गच्छ भांगी पड़ी से सबु गच्छ को कटर साहाय्य कटाजिबो एवं रास्ता जो जाम रही अवरोध रही ये रास्तार गच्छ हटाजिबो। संध्या सुधा विद्युत सेवा स्वाभाविक हेबो एकथा कहुची सरकार पक्षर यार भितर जो सूचनाटी सामना को आसुची कि बात्या दाना दुर्बल होगला ये दुर्बल पक्षर कारण आम आपना रखि सारू जहाँकि पाणीपाग विशेषज्ञ पाणीपाग विज्ञानी जो आकलन कर कि आरब सागर में गुरुचाप बलय सक्रिय रही जो शुष्क वायु प्रभावित होगा बात्या दुर्बल होगला। बात्या प्रभाव में सबुठ अधिक चंदाली में वर्षा होता नहीं रेकर्ड कर सर्वाधिक 58.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर भीषण बात्या प्रभाव में उपकूल ओडिशार वर्षा हो चंदाली में सर्वाधिक वर्षा होता बेले 58.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर केन्द्रापड़ा राजकनिका जो 156 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर भद्रक बासुदेवपुर केन्द्रापड़ार मार्साखाई एटी 110 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर राजनगर 100 मिलीमीटर महाकालपड़ा आली 90-80 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर पारादीप 76.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर